सारे किसान भाइयों के सवाल अभी आ रहे थे कि कौन सी वेराइटीज हमें इस साल लगानी चाहिए, अदरक की कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं और हमारे खेत के लिए कौन सी वेराइटी सही रहेगी, साथ ही हमें अदरक लगाने का जो समय है वो सही समय कौन सा है, या फिर अगर आप अदरक को निकाल कर घर पर रखते हैं तो उसकी देखरेख आपको कैसी करनी होती है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और जो किसान भाई चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुशवाहा, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेराइटीज़ की। तो वेराइटीज़ इसकी कुछ ज़्यादा नहीं है, कुल 3-4 वेराइटियाँ हैं। सबसे पहले तो देसी वेराइटी आती है जो कि ऑल आवर एक तरीके की अच्छी वेराइटीज़ है और आप इस वेराइटी को कहीं पर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी इसका उत्पादन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है एक हाइब्रिड वेराइटी जिसको हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, वराड़िया भी बोल सकते हैं। और तीसरी वेराइटी आती है माहिम या मोहिनी भी आप उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी 4-5 वेराइटियाँ हैं जिसमें 3 वेराइटी सबसे ज़्यादा लगती है, देसी वेराइटीज़, हाइब्रिड वराड़िया वेराइटीज़ और एक माहिम वेराइटी। ये 3 वेराइटियाँ लगती हैं जिसमें जो देसी और माहिम वेराइटी जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, उनके कन का आकार भी सही रहता है, एक जैसा रहता है, कन की चमक भी एक जैसी रहती है। लेकिन जो एक हाइब्रिड वराड़िया वेराइटी आती है उसके कन काफ़ी बड़े होते हैं और उसका जो कन निकलेगा वो काफ़ी बड़े साइज का निकलेगा। उसकी खेती हमारे यहाँ पर नहीं होती है, वो ज़्यादातर महाराष्ट्र साइड किसान भाई उसकी बुआई करते हैं और हमारा जो एरिया है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देसी अदरक की ही बुआई की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसको घर पर कैसे रखना है, अगर आप अदरक निकालते हैं तो इसको घर पर कैसे रखना है। जब आपको लगाना हो उससे 20 से 25 दिन पहले आप खेत से बीज का जो अदरक आपने छोड़ा है उसको निकाल लें और उसको घर पर स्टोर कर लें। अब घर पर कैसे स्टोर करना है, उसको आपको घर पर ले जाना है अच्छे से साफ करके और घर पर उसको जमा देना है, बैग से खाली कर देना है, उसको अच्छे से जमा देना है और उस पर जो जूट के बैग आते हैं, जूट के जो बैग आते हैं उन बैग को आपको उस पर ढक देना है। ढकने के बाद जूट के बैग की आपको 2 से 3 लेयर उस पर डालनी है। उसके बाद आपको उस पर अच्छे से पानी छिड़क कर उसको भिगा देना है। आपको हर तीसरे दिन, दूसरे दिन या फिर आप चाहे तो डेली भी उस ढके हुए जूट के बैग को बिल्कुल पानी छिड़क दें और उसको डेली छिड़कते रहें। जब तक आप बुआई करते हैं तब तक आपको डेली इस तरीके की प्रोसेस करना पड़ेगी, उस ढके हुए अदरक के ढेर को डेली भिगाना पड़ेगा। जो जूट के बैग आपने उस पर ढके हुए हैं उनको डेली पानी छिड़कना होता है जिससे अदरक सूखती नहीं है। अगर आप उसको ऐसा ही घर पर रख देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अदरक आपकी सूख जाएगी। तो निकालने के बाद आप उसको घर पर ले जाएं, घर पर एक अच्छा सा ढेर बना ले, बिल्कुल गोल और ऊंचा ढेर बना ले और उसको जूट के बैग से ढक दे। करीब 2 से 3 लेयर जूट के बैग की उस पर डाल दे। उसके बाद आप उस पर अच्छे से पानी छिड़क दे। पानी छिड़कने के लिए आप चाहे तो स्प्रे पंप की सहायता भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको घर पर स्टोर कर दे और भी अदरक निकालने के बाद 20 से 25 दिन के बाद आप उसको वापस ज़मीन के अंदर लगा सकते हैं। लगाने का सही समय मैंने आपको बता दिया है, 15 मई के बाद से आप उसको कभी भी लगा सकते हैं। लगाने से पहले एक बार खेत को अच्छे से भिगा लें, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है। और वेराइटीज़ की अगर बात करूँ कि आपको कौन सी वेराइटीज़ लगानी चाहिए, तो देखिए ये वेराइटीज़ का फंडा आपको इस तरीके से समझना होगा कि आपको पहले मार्केट जाना होगा और मार्केट से आपको पता करना होगा कि आपके यहाँ पर कौन सी वेराइटीज़ की डिमांड है, कौन सी वेराइटीज़ आपके यहाँ पर अधिक बिकती है, मार्केट में कौन सी वेराइटी बिक रही है। क्योंकि मान लीजिए आप हाइब्रिड वेराइटी अगर लगा देंगे और आपके आसपास जो मार्केट है उसमें हाइब्रिड वेराइटी नहीं बिकेगी तो उससे अच्छा है कि आप देसी अदरक लगा लें। तो वेराइटीज़ आप पर डिपेंड करता है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है, आप वेराइटीज़ के पीछे ना जाए। आप चाहे तो देसी अदरक भी लगा सकते हैं, माहिम भी लगा सकते हैं और अगर हाइब्रिड आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड का जो मार्केट होता है वो थोड़ा कम मिलेगा देसी के मुकाबले। तो इसलिए आप हाइब्रिड भी लगा सकते हैं या फिर देसी भी लगा सकते हैं। तो कुल 3-4 वेराइटियाँ हैं और इनमें से आप कोई भी अदरक लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके थोड़े से सवालों के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।